जय श्रीमन नारायण गुरु जी। बैठ जाइए सब, मैया बैठो, ये मैया को बिठा लो। बोलो बेटा। मैया रुको, बैठो थोड़ा। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि लोग कहते हैं कि कोई भी काम पूर्ण होने से पहले लोगों को बताना नहीं चाहिए, और अगर हम लोगों को बता देते हैं कि हम ये कुछ करने वाले हैं तो हमारा काम पूर्ण नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कैसा पूर्ण नहीं होता मतलब? अगर हम कुछ भी कहीं जाने वाले हैं तो। मैया बैठ जाओ या मैया को बिठा लो जो खड़ी है। मैया बैठो। हाँ बोलो। अगर हम कहीं जाने वाले हैं, दो तीन दिन पहले हम लोगों को बता देते हैं कि हाँ वृंदावन आने वाले हैं, फिर हम कहीं और जाएंगे, तो फिर ऐसा होता है कि काम पूरा ही नहीं होता, हम जा ही नहीं पाते। हाँ हाँ, तो बताया मत करो, टोका टोकी भी हो जाती है। कई लोग मानते हैं इस बात को कि कहीं जाओ तो अपना ठीक ठीक से जाओ, ज्यादा हल्ला ना करके जाओ। दादे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि हम शंकर जी को तुलसी जी चढ़ा सकते हैं? बिल्व पत्र चढ़ाइए, तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं, जो तुलसी की मंजरी है जी। गुरु जी, पर मैंने देखा है कि महाकालेश्वर में शंकर जी को तुलसी जी चढ़ाते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाते, मंजरी जानते हैं जो आगे जिसमें दाने लग जाते हैं उसको मंजरी बोलते हैं, तो वो पहले से तोड़ते हैं तो उसमें कुछ पत्ते भी रह जाते हैं, तो मंजरी के साथ पत्ते चढ़ाना दोष नहीं है, चढ़ा सकते हैं। मंजरी ही चढ़ती है शंकर जी को।